नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और हम पटना से चलकर के आ गए हैं बिरला कॉलोनी। बिरला कॉलोनी में हरी कथा का आयोजन किया गया। इसी बीच अभी कलश यात्रा निकाला गया और हमारे साथ बात करने के लिए कलश यात्रा में भी थे भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह से हम बात करेंगे कि कलश यात्रा निकाला गया और आज से हरी कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जनता वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ सर, ये हरी कथा जो निकाली गई है और मंगल कलश यात्रा निकाला गया है और मंगल कलश यात्रा से पूरे फुलवाड़ी का मंगलमय हो, ऐसी कामना से कलश यात्रा निकली है। और आपने आज देखा होगा कि नारी शक्ति ने अपना सर पे कलश उठा करके पूरे फुलवाड़ी के मंगल की कामना की है। और ये जो हमको सिखाता है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार मेरा परिवार है, ये जो विचार है ये सनातन संस्कृति की विचार है। एक तरफ दूसरा विचार है जिहादी मानसिकता कि हमारे ही धर्म श्रेष्ठ है, ये नहीं, ये सारे धर्मों का सम्मान करने वाला और भाईचारा प्रेम बढ़ाने वाला ये मंगल यात्रा था। आज एक आखिरी सा सवाल, पूरा फुलवारी जय श्री राम और महादेव के नारे से गूंज उठा, इसमें भक्तों का और महिलाओं का सबसे ज़्यादा समर्थन था, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जय श्री राम का नारा हर हर महादेव, महादेव तो कण कण में बसे हुए हैं, महादेव का स्वरूप पूरे विश्व में व्याप्त, सारे सृष्टि के स्वामी हैं महादेव, उनका जब जयकारा लगता है तो फुलवारी का मंगलमय होगा। ये शुरुआत है हरी कथा से, आपको बता दूँ जय श्री राम का नारा लगने से, और शुरुआत है ये शरीफ से श्री की ओर, और जब श्री की ओर जाएंगे तो कल्याण होगा, ये भाव उत्पन्न होगा, प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न होगा, भारत के सनातन संस्कृति की मूल्यों के पहचान का भाव उत्पन्न होगा, राष्ट्र प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। सीधा यहाँ देखिए कि हरी कथा का आयोजन और जय श्री राम और महादेव की नारा से पूरा फुलवारी श्री गूंज उठा। आप देखिए कलश यात्रा में किस तरह से दृश्य है वो आप हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको यह खबर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी कथा में आकर के आप हरी का आनंद ले सकते हैं, कथा का आनंद ले सकते हैं। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार हसन, भारत न्यूज 24।